हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MNP नॉलेज स्कूल। खबर यह है कि रूस को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया में तीसरा सबसे संक्रमित देश बन गया है। जहां पिछले 10 दिनों में रूस में 67,000 के आसपास केसेस आए हैं, वहीं भारत में पिछले 10 दिनों में 2,00,000 से ज़्यादा केस आए हैं। थोड़ा जल्दी से डिटेल में दुनिया की और इंडिया की कंडीशन को देख लेते हैं। दुनिया में टोटल 1,14,53,280 यानी कि 1,14,53,280 केसेस आए हैं अब तक, और उसमें से 5,34,862 यानी कि 5,34,862 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक होने की बात करें तो 64,82,268 यानी कि 64,82,268 लोग ठीक भी हुए हैं। अगर कोरोना वायरस के संक्रमण में टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें तो US से 29,52,000 से ज़्यादा केसेस वहाँ पे हैं, नंबर एक पर है। ब्राज़ील नंबर दो पर है, 15,78,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इंडिया अब रूस को पीछे छोड़ के नंबर तीन पे आ चुका है, 6,87,000 से ज़्यादा केसेस हैं। रूस के पास 6,81,000 से ज़्यादा केसेस हैं। नंबर पाँच पे पेरू है, 2,99,000। नंबर छः पे स्पेन है, 2,97,000। नंबर सात पे चिली है, 2,95,532। नंबर आठ पे यूके है, 2,85,000 से ज़्यादा केसेस। नंबर नौ पे मेक्सिको है, 2,52,165। और नंबर दस पे इटली है, 2,41,419। तो देखिए, हम नंबर थर्ड पे तो पहुंच गए। अब ध्यान ये रखना है कि सभी लोग अपना ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, फेस मास्क ज़रूर पहने जब घर से बाहर निकलें, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उनको मानें, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन रखें, 2 गज की दूरी। और फ्रेंड्स देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा देश है, हो सकता है जनसंख्या के हिसाब से ये केसेस कम हों, लेकिन पिछले 15 दिनों से आप देखेंगे तो रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो आप सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी भी जिनको ये लग रहा है कि कोरोना का संक्रमण उनको नहीं हो सकता है, वो गलतफहमी ख़त्म कर दें, ये किसी को भी हो सकता है, आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है। फिलहाल हम नंबर थ्री पे आ चुके हैं, उम्मीद करें नंबर दो पे ना आए, इसलिए अभी से सभी लोग आप लोग अलर्ट रहें। फिलहाल की जानकारी यही थी। ये इन्फॉर्मेशन अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जानने वालों से शेयर करिए, जिससे वो भी अलर्ट रहें। आप जब भी निकलें पूरे प्रोटेक्शन के साथ निकलें, ज़रूरी ना हो तो ना निकलें। कहीं घूमना फिरना अभी आप कुछ दिनों के लिए त्याग सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार।